पंडित लक्ष्मीचंद और जाटमेर सिंह की भिड़ंत है। एक ऐसा किस्सा कह तो कोई ने सच्चा बतावर कह बतावे कति जमा झूठा। तो आओ देखें के था यो क्युकर शहीद कवि फौजी मेर सिंह ने दादा लक्ष्मीचंद की बाता का जवाब दिया था। राम राम दोस्तों, मैं गौरव मान और आपने लॉन्च कर दिया लोकल लोफर, एक ईसा हरियाणवी कपड़ा का ब्रांड जड़े आपने अपने खुद के डिजाइन से फैन दादा लक्ष्मीचंद का, फैन जाटमेर सिंह का, इसे से टॉप की क्वालिटी के कपड़े के साथ टी शर्ट स्वेट शर्ट उडीज लोकल लोफर .com की वेबसाइट पर मिलेंगी। तोले जाओ विजिट करो। अर्जय भाई हरियाणवी चैनल पहली बार आपके सामने आया है तो सब्सक्राइब जरूर करियो। और जब आपने मेरे तक कोई टॉपिक पहुंचाना है तो इंस्टाग्राम पर जी मान जी अपनी आईडी है और संपर्क कर लियो। मेरे बहन भाइयों, आपा लक्ष्मीचंद जी की और मेर सिंह जी की बराबर की इज्जत करा है। जाए तो इतने आदर के साथ पंडित लक्ष्मीचंद की वीडियो बनाई और इतने सम्मान के साथ बनाई जाट मेर सिंह की। दोनों की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लियो। और इस आज आले किस्से का मने पता कितना लग गया वीडियो के आखिरी में आपने बता दूंगा। चलो जिक्रा शुरू करें। दादा लक्ष्मीचंद हरीश चंद्र का सांग कर रहे थे और देख इस सांग ने जाट मेर सिंह भी रहे थे। दादा लक्ष्मीचंद ने एक रागणी गाई तो मेर सिंह बीच में खड़े होकर बोले कि दादा इस रागणी में यह बात सही कोन्या। दादा को बड़ा चोट उठा कि अच्छा उरे ना मेरे तकत दो रहा है और बता इसमें क्या गलती है। उन दोनों का जो वाद विवाद होया आखिरी में दादा लक्ष्मीचंद बोले छोरे लग गए तेरे में ज्ञान सा है तू भी सुना कुछ। तो जाटमेर सिंह बोले ना दादा ज्ञान तो आप में बत्ती है, आप पूछो जो पूछना मैं उसका जवाब दूंगा। दादा लक्ष्मी बोले कौन है तेरा गुरु। अब कोई नहीं जी, अब बिना गुरु का चेला और मेरी बात का जवाब दे दे। हाँ दादा पूछो मैं दूंगा जवाब। तो लक्ष्मीचंद बोले ला भाई दे भी जवाब। उन्हें अपनी हरीश चंद्र वाली रागणी छोड़कर कोई दूसरी रागणी ठाकर बोले के मात पिता हो जन्म देने के नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना नहीं बनता कोई भाती, कार पशु और चतुर आदमी कदे मोटा ना रहने का, और जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का, और जिस घर में वो पतिव्रता उड़े कदे टोटा ना रहने का, और जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का। मेर सिंह जी बोले दादा लक्ष्मी रुकिए रुकिए इब भी थोड़ी थोड़ी कमी राख दी। दादा बोले अच्छा कमी रागी के हाँ, और एक एक कली का मैं जवाब दूंगा कि आपने कहा के कार पशु और चतुर आदमी कदे मोटा ना रहने का, बोले हाँ कया, बोले फिर वो भगवान शिव जी का बैल नंदी कार और चतुर था फिर भी वो मोटा क्यों था, आगे कही के जो मालिक ने बधा दिया वो कदे छोटा ना रहने का, कि हाँ कही है, बोले राजा बलि के दर पे तो खुद भगवान विष्णु तीन कदम धरती मांगन आए थे भेष बदल के, तो वो मालिक का बधाया बंदा उस दिन छोटा क्यों था। दादा एक तो अगली भी सुन, ताना कही के जिस घर में वो पतिव्रता ओड़े कदे टोटा ना रहने का, बोले सुदामा के घर में तो पतिव्रता नारी थी फिर भी ओड़े टोटा क्यों था। और दादा तना आखिरी में कही के सतगुरु ने जो परख दिया वो कदे खोटा ना रहने का, दुर्योधन तो असली सतगुरु का चेला था ओ इतना खोटा क्यों था कि उसने महाभारत करवा दी किसी की भी नहीं मानी। दादा लक्ष्मीचंद उस दिन जाटमेर सिंह की कविताई और बुद्धि ने मान गए थे। अरिब कदे कोई सा नहीं सोचा कि दादा लक्ष्मीचंद की बात का जवाब देकर जाटमेर सिंह ने अपमान कर दिया पंडित जी का। ना 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 ऐसा कति नहीं था। जाटमेर सिंह ने अपना गुरु बनाया था पंडित लक्ष्मीचंद को। इसका जिक्र मैंने अपने जाटमेर सिंह की वीडियो में करा भी है, नीचे लिंक का देख लियो। और इस किस्से का मैंने पता करता लग गया न्यू बताने तक पहले मैं आप सब तक बात कहना चाहूँ कि जाटमेर सिंह और पंडित लक्ष्मीचंद न्यू नहीं किसी एक ग्रुप के थे, जाति के थे कि भाई जाटमेर सिंह जाटाकार पंडित लक्ष्मीचंद पंडिताकार, ना 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 ना, ये इतने महान आदमी थे, ये इन सब चीजा थे, जाति पाति ग्रुप भेदभाव इन सब तो ये बहुत ऊपर थे, तो आपने भी इन सब चीजों के ऊपर उठ जाना चाहिए। और इसे बात पर आप लोकल लोफर पर जाओ और फैन लक्ष्मीचंद का, फैन मेर सिंह का इसी से टी शर्ट खरीदो, बुडीज खरीदो। और भाइयों मैंने इस किस्से का पता लग गया था साधु राम व्यास अलग हरियाणा पे ने यो किस्सा सुनाया था, आप चाहो थोड़ा जाके देख सको हो। दोस्तों आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल तय धन्यवाद करूं।